अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। से तो बहुत बदबू आ रही है, लगता है कई महीनों से ये दरवाजा खुला नहीं है। भैया जी मैडम, ये कमला जी का ही घर है ना? हाँ यही है। यहाँ सिर्फ कमला ही रहती थी ना, उनके बाद इस घर में कोई रहने के लिए आए नहीं क्या? कमला की मौत के बाद हमने तो किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा है। कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ आने का, शायद उस बेचारी मुन्नी का सच में कोई भी नहीं है। ये दरवाजा तो बाहर से बंद है, तो फिर अंदर से पानी कैसे आ सकता है? अंदर कोई तो है, किसकी पैर नजर आ रहे हैं? कौन हो सकता है अंदर? हेलो, कोई है क्या अंदर? कोई है अंदर? कोई है क्या अंदर? हेलो, लगता है अंदर कोई मुसीबत में, मुझे ताला तोड़कर अंदर जाना होगा। नौकर बनाकर लेकर आई थी तुम्हें, लेकिन तुम तो इस घर की बारिश बनने की फिराक में, इसीलिए मेरे पोते को अपनी उंगलियों पर नचाती हो ना? लेकिन तुम्हारी असली औकात ये है। जाओ जाकर ये कपड़े धो। तुम घूर के क्या देख रही हो? मुझे आगे दिखा रही हो? फोड़ के रख दूंगी, जाओ जाकर कपड़े धो। कमजोर लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही गहरी नींद में सोई है। क्या करूं?
ये इनके हाथ में नींबू किसने मारा है? ये हमें तो इस औरत की हालत बहुत खराब है। मैं पहले काम करती हूँ, ये पानी बंद करती हूँ, उसके बाद एम्बुलेंस बुलाती हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जरूरी काम आ गया, लेकिन लेकिन मैं तुमसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगी। और सुनो, ये लो, ये पैसे रखो और तुम भी इस हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवा लेना, ठीक है? और अपना फोन जरूर ठीक करवा लेना, मैं तुम्हें फोन करूंगी और एक दो दिन में तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? कमला प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है। कमला जी के पड़ोसी हैं जी, आप प्लीज इनका ध्यान रखिएगा, मैं इनसे बाद में मिलने आऊंगी। जी Thank you.
यहाँ झूठे प्यार के दिखावे के चक्कर में काम कर करके मैं अपनी हड्डियां तोड़वा रही हूँ। और ये बुढ़िया है कि मेरे ही घर में रहकर मुफ्त की मिठाइयां खा रही है, इसे तो अभी मैं बताती हूँ। अरे समदन जी, इस उम्र में इतना मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आजकल इतनी सारी बीमारियां निकल पड़ी है, कहीं आपको कुछ हो गया तो। अरे समदन जी, आप कितना प्यार करती है मुझसे, कितना ख्याल है आपको मेरा। हाँ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, गाँव की स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ भाभी जी, लेकिन दादी जो कह रही है वो सही कह रही है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। समदन जी बात बताइए, आपको आपको तो अपने घर की बहुत चिंता हो रही होगी ना, इतने समय से आप यहाँ हमारे घर में है। और पता नहीं वहाँ समदन जी भी क्या कर रहे होंगे। तो लाडो से घर वापस आ गया है, पलक बहू भी घर में ही है, इन्हीं का तो घर है, अब उसे ही संभालने दीजिए। आप जाइए जा करके अपना घर संभालिए, और कितने दिन तक करेंगी बिटिया की सेवा, है ना। लड़सा जरा देख तो, कोई टिकट हो तो झट से निकाल दे, जो अच्छी मिल जाए जिसमें आराम से जा सके समदन जी को देख। अरे मम्मी, आपको इतनी जल्दी क्यों है जाने की, अभी अभी तो आप आई थी, अभी जा रही है, आपको मुझसे प्यार नहीं है क्या। अब सुन, मेरे और दादी के बीच में भी सब कुछ सही हो गया, फिर आपको इतनी जल्दी क्यों है जाने की। पिंकू जी प्लीज, मम्मी को थोड़ी देर और रुकने देते हैं ना। दादी जी आपको कोई दिक्कत है क्या, मम्मी अगर यहाँ रहे तो। बच्चे जैसा बचपना है, इसका शादी हो गई, देखो बचपना नहीं गया, माँ का मुंह ऐसा है कि छूटता ही नहीं है, बस चले तो माँ के साथ ही जाकर के घर बसा ले। माई पलक वो इतनी प्यारी है सच में, और सच कहूँ तो मुझे तो समदी जी की चिंता हो रही थी, क्या खा रहे होंगे, क्या पका रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, काम पे जा रहे होंगे। बाकी तो देखो तुम लोग सब समझदार हो, जो तुम लोग सोचो वो करो, मेरा क्या है। तो ठीक है दादी, मम्मी जी हमारे साथ कुछ दिन और रहेंगे। वैसे भी दादी मम्मी जी आप सबको एक साथ ऐसे हंसते खेलते देखता हूँ ना, तो मेरे लिए तो हर दिन एक त्योहार जैसा होता है। मेरे लिए भी। पुराने पैतृक काम नहीं कर रहे, अब कुछ नई तरकीब सोचनी होगी। हाँ मेरी दीदी ठीक तो है ना। रूही जी वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा, ये हादसा कैसे हो गया। अवनी जी तो सिर्फ फोन पे बात कर रही थी, पता नहीं गमला कैसे ऊपर गिर गया। गमला तो रेलिंग से दूर कॉरिडोर में टेबल पर रखा था, तो फिर रेलिंग से गिरा कैसे, कहीं किसी ने सफाई करते वक्त तो नहीं रेलिंग पे रख दिया। रूही तुमने सफाई तो की नहीं थी ना। नहीं नहीं दादी, मैंने कोई साफ सफाई नहीं की है। अवनी जी आपको कुछ याद है ये सब कैसे हुआ, कुछ देखा था आपने। नहीं रोमिल जी, सब सब बहुत धुंधला सा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कैसे हुआ, सब कुछ बहुत अचानक से हो गया, याद नहीं मुझे। वैसे रोहित तुम थी कहाँ। अवनी तुम एक काम करो, चलो कमरे में चलो आराम करो, आ जाओ। और जी जुआ, आज आप पर भरोसा करके एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी आपसे मैनेज नहीं हो पाया। वैसे रोज बंठन के ऑफिस चले जाते हैं आप, लेकिन ऑफिस का एक काम नहीं हो पाया मेरे एब्सेंस में। नहीं भाई आप रहने दीजिए, मुझे रोमिल जी और समर ले जाएंगे, मुझे ले चलेगा, मुझे यार। बेटा कुछ महसूस किया तुमने, आज उस बच्ची को घुमाने के चक्कर में तुमने अपने व्यापार और परिवार दोनों का नुकसान कर लिया। जिस बहन के चेहरे पर तुम्हें देखते ही मुस्कान आ जाया करती थी, आज वो तुमसे इतनी नाराज है कि वो तुम्हारा साथ भी नहीं चाहती। उम्मीद है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, नहीं तो एक बार इस बारे में सोचना जरूर। जिंदा,
मुन्नी की माँ कमला जिंदा है तो फिर मुन्नी ने हमसे झूठ क्यों कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस शख्स ने कमला की ऐसी हालत की है उसके डर की वजह से मुन्नी इधर उधर भाग रही है, और शायद नाहर जी के करीब भी वो इसलिए है ताकि उसे घर से जाने को कोई भी ना कहे। बेचारी बच्ची पर क्या बीत रही होगी। मुन्नी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े धुल गए सारे? तो फिर यहाँ खड़ी होकर बड़ों की बातें क्यों सुन रही हो? चलो जाओ यहाँ से। रूही कोई मिला क्या? कमला के हस्बैंड या कोई रिश्तेदार? कोई ढूंढ रहा है क्या मुन्नी को? अगर मम्मी जी को कमला के जिंदा होने के बारे में बताया तो कहीं वो परेशान ना हो जाए, और दादी जी को पता चला तो मुन्नी को बिना सोचे समझे तुरंत घर से बाहर निकाल देगी। उसकी मजबूरी के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगी। रूही क्या हुआ, कोई मिला? नहीं मम्मी जी, अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन मैंने कॉलोनी में 2-3 लोगों से बात की है, अगर उन्हें कुछ भी पता चलेगा तो वो फौरन हमें बता देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन चंद दिनों में नाहर को इतना लगाव हो गया है मुन्नी से, अगर वो बच्ची कुछ दिन और रही इस घर में नाहर को उससे और लगाव हो जाएगा। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक बच्ची का मामला है, मुझे हर कदम सोच समझ कर लेना होगा। पहले कमला से बात करनी होगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, उसकी ऐसी हालत किसने की है। मिस्टर नारायण, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कल मीटिंग में नहीं आ पाया, दरअसल कुछ फैमिली में मसला हो गया था, उसी को सुलझाने में मैं बिजी हो गया था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई एम अश्योरिंग यू मैं फिक्स कर दूंगा, आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ओके मिस्टर नाहर, 1 घंटे में आपके ऑफिस में मिलते हैं। ग्रेट मिस्टर नारायण, थैंक यू सो मच। रूही मेरी व्हाइट शर्ट प्रेस। रूही तुम्हें कैसे पता मैं यही शर्ट मांगने वाला था? हाँ जी, क्योंकि मैं जानती थी कि आपने रोमिल चाची को मीटिंग के लिए भेज तो दिया, लेकिन रात में आपको अपनी गलती का एहसास होगा और आप फिर से मीटिंग अरेंज करवाएंगे, और उस मीटिंग में आप अपनी लकी वाइट वाली शर्ट पहन के जाएंगे, इसीलिए मैंने शर्ट पहले से ही प्रेस कर दी थी। रूहे तुम कितने अच्छे से मुझे जानती हो, पता नहीं रूहे मुझे क्या हो गया है, मैं आजकल खुद को समझ ही नहीं पा रहा हूं क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो ना, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मैंने मिस कर दी, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी गलती का इल्जाम मैंने जीजू पर डाल दिया, अबनी भी नाराज है मुझसे, और बेचारी को चोट भी लग गई, सब गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ जी, लेकिन आप अपनी गलती सुधार भी तो रहे हैं ना, और आप अपनी दीदी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो मान जाएंगे। कि नाहर जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आपने मुन्नी के चक्कर में अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैसे मिस कर दी। पता नहीं रोहित, लेकिन मुन्नी कभी भी कुछ बोलती है ना, मैं मना नहीं कर पाता, उसे टाल नहीं पाता, शायद मैं भी हम दोनों की माँ नहीं है, इस वजह से उसके साथ एक अलग सा लगाव महसूस करता हूँ, या क्या रीजन है मैं भी नहीं जानता। नाहर जी को कमला के बारे में बताऊं कि नहीं? नाहर जी, दरअसल वो देखो अरे अरे मुन्नी बेटा, देखो कितने प्यारे बुलबुल है, कितने प्यारे बुलबुल है ना, बाहर चलकर उड़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मुन्नी आज तुम मेरे साथ खेलना, नाहर जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उनको मीटिंग में जाना है, ठीक है? तो बताओ कहाँ चलना है। एक काम करते हैं, हम चिड़ियाघर चलते हैं या फिर गुड़ियों वाला म्यूजियम चले। मुझे कहीं नहीं जाना। मुन्नी, मुन्नी बेटा मेरी बात सुनो, मुन्नी नाहर जी जो गलती अनजाने में किया जाए वो गलत नहीं होता, पर जो जानबूझकर दोहराया जाए वो गलत है, और आप फिर से वही करने जा रहे हैं। लेकिन रूही तुमने देखा ना, वो कितनी अपसेट हो गई, कितनी उदास हो गई वो। हाँ जी, वो बच्ची है तो वो जिद तो करेगी ना,
इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसकी हर जिद को पूरी करें। और आपको याद है जब हम बच्चे थे तो बचपन में हम भी कितनी डांट खाते थे। तुम्हें पता है मुझे पापा से एक दो पढ़ भी जाते थे। नहार जी वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए बड़ों को सख्त होना पड़ता है। जानती हूँ आपको मुन्नी से बहुत लगाव है, लेकिन आप ऐसे अपनी जिम्मेदारी छोड़कर उसके पीछे भाग भी तो नहीं सकते ना। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये लीजिए अपनी फाइल और आप बस अपनी डील पर फोकस कीजिए। मुन्नी को मैं संभालूंगी, मैं उसे पार्क लेकर जाऊंगी, वहां और दूसरे बच्चों के साथ उसका दिल भी बहल जाएगा। यही सही रहेगा। थैंक यू सो मच। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरा साथ दे रही हो। नहार जी, हमारा साथ उम्र भर का है और हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तभी तो ताउम्र साथ रहेंगे ना। थैंक यू। मुन्नी आज तुम मेरे साथ खेलना। पता नहीं मुन्नी को नहार जी के साथ खेलना ही क्यों पसंद है। कहाँ चली गई मुन्नी? कमला ने आपको जाते वक्त कुछ बताया था क्या? आपको कोई जरूरी काम है क्या कमला से? हाँ, वो मुझे उसको उसकी बच्ची के बारे में बताना। बच्ची? हाँ। देखिए आपके लिए यही बेहतर है कि कमला से आप उसकी बेटी के बारे में कुछ ना ही कहें। उसकी बेटी के जाने के बाद कमला को गहरा सदमा लगा है। मम्मी घर से भाग गई थी क्या?